ना तो ये फायर प्रेयर है, ये ना मास प्रेयर है। इस प्रेयर का नाम हम क्या रखेंगे? फील करो, महसूस करो मसीह तुम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप जो ये प्रार्थना सुनने के लिए जा रहे हो, परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा का नया प्रकाशन दिया है। फील प्रेयर, फीलिंग प्रेयर का एक नया प्रकाशन दिया है, और मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थना को जितने भी लोग सुनेंगे और सुनने के बाद जब वह फील करेंगे और रिसीव करेंगे, तो वह अपनी जिंदगियों में बड़े बड़े कामों को वह पूरा होता हुए देखेंगे। और मेरा आप सब से निवेदन है कि इस प्रार्थना को अंत तक सुनना। मेरा विश्वास है कि निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को बनाएंगे। आमेन। रिहो साका बाबा बाबा बाबा, पुकारें उसे जैसे दाऊद कहता संकट के समय उसे पुकारो तुझे उत्तर देगा। पुकारो, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, आपकी सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसने तुम्हें आंखें दी और तुम्हें देखता ना हो। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसने तुम्हें कान दिए हो और वो तुम्हारी सुने ना। वो देखने और सुनने वाला परमेश्वर है, और मैं विश्वास करता हूं आज भी आपकी वो सुनेगा। इसलिए मांगो कि खुदावन आज, खुदावन ये जो तेरी जीवत हजूरी है, ये जो तेरी जीवत हजूरी है, इसमें मैं सेम ना जाऊं। आज मैं सेम ना जाऊं मेरे परमेश्वर, जिस हालत में मैं आया हूं, मैं वैसा ना जाऊं। परमेश्वर तेरी रूह की भरपूरी से मैं भर जाऊं। जो मेरा मन मुझे दोष लगाता है, मेरे मन में कई व्यक्तिगत ख्यालों को पैदा करता है, क्योंकि तेरा वचन हमें बताता है कि जो कल्पनाएं तू मेरे विषय करता है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है, वो कुशल की, वो शांति की है। और आज भी मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि जो कल्पनाएं जो तू सोचे मेरे लिए सोचता वो हानि के नहीं है, वो लाभ के नहीं है, पर मेरा मन मुझे दोष देता है। शांत कराओ, अपने अपने मन को बोलो चुप हो जा। अपने अपने मन को कहो, जितने ऑनलाइन जहां पे उसे बोलो चुप हो जा, मेरी आशा मेरे परमेश्वर से है और वो मेरे लिए सब कुछ आज से 2000 साल पहले क्रूस पर अपना जीवन देकर वो मेरे लिए पूरा कर चुका है। मुझे हर तरह की वो ब्लेसिंग दे चुका है, मुझे हर तरह का छुटकारा दे चुका है। धन्यवाद करो दिल से। जो चीज आपके पास नहीं है, वचन हमें बताता है विश्वास करो आपके पास है। बिलीव करो और फील करो। जो लोग ऑनलाइन है, बिलीव करो और विश्वास करो वो चीज आपके पास है। अगर आप बीमार हो, विश्वास करो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं कहता हूं विश्वास करो, उसका वचन हमें बताता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसके वचन को फील करो और अपनी चंगाई को फील करो कि मैं चंगी हूं। बोलो मैं चंगा हूं। उस वचन के अनुसार अपने मन को कहो मैं चंगा हूं। जिनके हड्डियों में दर्द है, जिनके कानों से सुनता नहीं, जिन्हें आंखों की प्रॉब्लम है, बोलो हर चीज के लिए जिन्हें शैतान बुरे रास्ते में लेकर जाना चाहता है, उनके मन में नेगेटिव ख्याल, गंदे ख्याल, आंखों का पाप जो उन्हें दिखा रहा है, अपने मन को शांत कराओ और से बोलो कि मेरा बुलाने वाला पवित्र है और मैं अपनी सारी चाल चलन में पवित्र चलूंगा। मैं कोई पाप नहीं करूंगा। जिस खुदा ने मुझे अपने सत्य वचन में बुलाया, उसके सत्य मार्गों पर मैं चलूंगा। फील करो, महसूस करो, आज अपनी चंगाई को फील करो, अपने हर एक काम को फील करो। मैंने कहा महसूस करो खुदा की सामत का हाथ आज आपके ऊपर आ रहा है। मैंने कहा फील करो,
मैंने कहा फील करो और विश्वास करो, खुदा की सामर्थ का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। मैंने कहा खुदा की सामर्थ का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, फील करो और महसूस करो। मैं कहता हूं फील करो महसूस करो, जो हार्ट के रोगी हैं, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, जिन्हें जिनके किडनी के रोग हैं, शुगर के रोगी, बीपी के रोगी, हार्ट के रोगी, सर्वाइकल के रोगी, फील करो, फील करो, महसूस करो, आपकी चंगाई आपके अंदर है। पहला क्रंथियां 13:5 में लिखा, अपने आप को परखो, विश्वास में हो के नहीं, मसीह तुम में, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। विश्वास करो मसीह आपके अंदर है। अगर मसीह आपके अंदर है तो शैतान का, बीमारी का आपके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। कमांड करो, कमांड करो। देखो खुदा के सामने काम कर रही है। कमांड करो, कमांड करो, मैंने कहा कमांड करो। उसको बोलो, अपनी बीमारी को बोलो, अपनी प्रॉब्लम को बोलो, क्योंकि वचन कहता मसीह अगर तुम में, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। अपनी बीमारी को कहो, अपनी हर एक जरूरत को कहो, अगर मसीह आपके अंदर है, क्योंकि मसीह नाम एक आशीष का नाम है, वो छुटकारे का नाम है। और बाइबल हमें बताती है कि अगर मसीह तुम में तो अपने आप को परखो, क्योंकि मसीह तुम में, जांचो जांचो और परखो, और अपने अपने आसमन को कहो, अपनी हर एक दुख को कहो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे बोलो, बोलो 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 बोलो। विश्वास से परमेश्वर काम करता और अपने लोगों को छूता है और प्यास करता है, उन्हें चंगा करता है। लाबारा सका बाबा बाबा बाबा, फील करो, फील करो, महसूस करो, इस वचन के अनुसार फील करो और अपने मन को शांत कराओ। मैं कहता हूं चंगियाई, मैं खुदा की सामर्थ के हाथ को आपके ऊपर देख रहा हूं। मैंने कहा खुदा की सामर्थ के हाथ को मैं आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूं। महसूस करो, आप चंगे हो रहे हो। मैंने कहा आप चंगे हो रहे हो, मैंने कहा आप चंगे हो रहे हो, मैंने कहा आप चंगे हो रहे हो। फील करो, महसूस करो हर चीज को, अपनी हर एक जरूरत को, अपनी हर एक घटी को महसूस करो। मैंने कहा फील करो, महसूस करो, महसूस करो, महसूस करो। रखा रही सका बाबा बाबा बाबा, अपने मन को शांत कराओ, अपने मन को शांत कराओ, और अपने मन को कहो जो दोष लगाता है उसको बोलो, परमेश्वर मुझे बेबी की ब्लेसिंग दे चुका है, वो बेबी वो बच्चा मेरे पास है, मुझे घर की आशीष दे चुका है, मुझे अच्छा बिजनेस वो दे चुका है, मुझे अच्छा काम दे चुका है, मेरे बच्चों को ब्लेस कर चुका है, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे चुका है, मेरे बच्चों के जो रिश्ते हैं वो अच्छी फैमिलियों में खुदामंद लेकर जा चुका है। बोलो मेरा घराना बचाया जा चुका है, मेरे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अपने परिवारों के लिए फील करो, महसूस करो कि वो यहाँ पे बैठे हैं। अपने परिवारों को फील करो, महसूस करो कि वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो लोग चाहते हैं कि मेरा परिवार भी बचाए जाए, मेरे भाई बहन, मेरा जो घराना वो बचाया जाए, तो आज फील करो। मैंने कहा फील करो, महसूस करो। आज की ये प्रेयर के द्वारा आप परमेश्वर के कामों को खुलते हुए देखोगे। मैंने कहा परमेश्वर के कामों को खुलते हुए देखोगे, क्योंकि ये बात मुझे यहोवा ने कही है कि मुझे मेरे लोगों को बता, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, क्योंकि मैं उनके अंदर हूं। वो जानते नहीं, वो समझते नहीं, वो जानते नहीं और समझते नहीं है। मैंने कहा से आप अपने कामों को खुलते हुए देखोगे, हर चीजों को पूरा होते हुए देखोगे। मैंने कहा होते हुए देखोगे। लंबा रस्सा का बाबा 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 बा, अपनी रसौली गिल्टी पत्थरी को भी हाथ रखो और बोलो, जिनके पीरियड्स की प्रॉब्लम है, गुप्त प्रॉब्लम है, हाथ रखो और बोलो, फील करो, महसूस करो, मसीह मुझ में है। मैंने कहा फील करो, महसूस करो कि मसीह मुझ में है।
आपके कंधों की दर्द है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, आपकी रीढ़ की हड्डी के मन के दबे, आप घुटनों के रोगी हो, फील करो और महसूस करो कि मसीह तुम में, और उस वचन को याद करो, उस क्रूस की मृत्यु को याद करो, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो और विश्वास से रिसीव करते हो और फील करते हो तो खुदा की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। मैंने कहा खुदा की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। अगर आप आपको ब्रेन ट्यूमर की प्यारी बीमारी है, आप ब्रेन ट्यूमर के मरीज हो, आपके सिर के रोग हैं, आपकी नसें ब्लॉक हैं, आपकी नसें ब्लॉक हैं, तो विश्वास करो, हाथ रखो। अगर आपकी नसें ब्लॉक हैं, मैंने कहा आपकी नसें ब्लॉक है तो हाथ रखो। फील करो, फील करो, महसूस करो कि मसीह मुझ में, मैंने कहा फील करो, महसूस करो, फील करो, महसूस करो। आपके चाहे कैसे भी केसेस क्यों नहीं है, चाहे आपके कैसे भी केसेस क्यों नहीं है, चाहे आपके ऊपर कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा केस है, तो उसे आप आजाद हो गए। मैंने कहा किसी भी तरह का अगर आपके ऊपर कोई केस है, आप आजाद हो गए। मैंने कहा आप आजाद हो गए और आपके ऐसे रास्ते खुलेंगे, आपके रास्ते आज से खुलेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे। इस वचन को और इस प्रेयर को याद रखना, मसीह तुम में, अपने मन को कहो मसीह मुझ में, अपनी बीमारी को कहो, अपनी प्रॉब्लम को कहो, अपनी जरूरत को कहो कि मसीह मुझ में, बोलो बोलो मसीह मुझ में, बोलो मसीह मुझ में, कहो कहो कि मसीह मुझ में। बीमारी को कहो तेरा मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मसीह मुझ में। हम जानते हैं मसीह का नाम और मसीह की ताकत, और वो विश्वास से काम करता है। मैंने कहा विश्वास से काम करता है, ये वचन विश्वास से काम करता है, और उसे वो बड़े बड़े काम करता है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और बहरे सुनते हैं। विश्वास करो, विश्वास करो। मैंने कहा विश्वास करो, अधरंगी अच्छे होते हैं और कोड़ी पाक शुद्ध किए जाते हैं। विश्वास करो कि मसीह मुझ में, और फील करो आप किसी भी तरह के रोग की क्यों नहीं हो, अपने रोग को आज कहो, आप बड़ी टेस्टिमनी से खुदाबंद आपको खड़ा करेगा क्योंकि उसने आपको बुलाया है। मैंने कहा अपने आप को कहो, अपने रोग को, अपनी बीमारी को कहो, कहो 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 कि मसीह मुझ में आज, बोलो बोलो मसीह मुझ में। और इस वचन को याद रखना, मैं दोबारा से ये रिपीट करता हूं, पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियों उसकी 13:5 वचन को याद रखो और रिसीव करो। और आज से इस प्रार्थना को याद रखना, और अपनी प्रार्थना में भी रूप बाबा बाबा बाबा, थैंक यू जीसस। मैं आपके घरों से एक क्लेश की दुष्टात्मा को छाते हुए देख रहा हूं। रिसीव करो, जिन घरों में क्लेश आपस में बनती नहीं है, किसी कारण शैतान आपके मन को डाइवर्ट कर रहा है, राइट नाउ मैं आज्ञा करता हूं आपके परिवारों में, आपकी फैमिली में, आपके घराने में, वो हर अंधकार की क्लेश की दुष्ट आत्माएं वो चली जाए, राइट नाउ वो चली जाए, वो चली जाए, और आप आजाद हो जाओ और शांति को, जीवन को यीशु मसीह के नाम से पाने पाओ। आमेन, आमेन। इस प्रार्थना को रिसीव करना, हो सके तो हम अलग से इस प्रार्थना को काट कर भी डालेंगे। आमेन, हालेलुया। हमने मास प्रेयर तो बहुत की, लोग फायर प्रेयर तो बहुत करते हैं, पर आज खुदा ने ये अलग तरह की मुझे प्रेयर दी है। बोलो क्या है,
और इस प्रार्थना का नाम हम क्या रखेंगे, ना तो ये फायर प्रेयर है या ना मास प्रेयर है, इस प्रेयर का नाम हम क्या रखेंगे? फील करो, महसूस करो मसीह तुम में। हालेलुया। जितने भी लोगों ने आज इस प्रार्थना को विश्वास से सुना और रिसीव किया है, मेरा विश्वास है कि निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को बना चुके हैं, और ये हमारा विश्वास है। पर आपसे एक हमारा निवेदन है कि जैसे जैसे आप सबके जीवन में परमेश्वर अपने कामों को करें, आपने हमारे हेल्पलाइन नंबर पर टेस्टमनी के लिए ज़रूर आपने कॉल करनी है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि जिस बात का परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर इस प्रकाशन को प्रकट किया है, निश्चय आप गवाही से आओगे, और हमारा विश्वास है कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी गवाहियों को बना चुके हैं। आमेन।